आदमी मेंटेन करता है प्रधानमंत्री निवास में, वो बड़ा नालायक आदमी है। एक ही फाइल जो है बार बार दे देता है और मोदी जी बार बार वही बात दोहरा देते हैं। देश का कोई भी चीज असफल होती है तो आज मोदी जी कह सकते हैं कि 140 करोड़ लोग नालायक है, उन्होंने प्रयास नहीं किया इसलिए असफल हुए। दूसरा, मोदी जी ने एक बड़ा झूठ बोल दिया कि सैनिक स्कूलों में कन्याओं को लड़कियों को एडमिशन मिलेगा। जी जी जी। तो मैंने गूगल खोला तो पता चला सैनिक स्कूल में कन्याओं को पहले से ही जो है एडमिशन मिल रहा है। नमस्कार दोस्तों, हिंदवॉइस में आपका स्वागत है। मैं हुक्राम, हमारे साथ हैं एडवोकेट रविंद्र कुमार जी। बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। लाल किले पर जिस तरह से भाषण दिया और उस भाषण में हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी सुनाई दी जैसा लग रहा था कि हम 2-3 साल पहला भाषण सुन रहे हैं। पिछले साल भी वही सुना, उससे पिछले साल भी वही सुना, मतलब कुल मिलाकर कोई नई बात हमें सुनने को नहीं मिली। इसके अलावा नई चीज़ बस देखने को हमें ये मिली, बड़े बड़े कंटेनर, ज़्यादा सिक्योरिटी, ज़्यादा वहाँ पर फोर्स, और इसके अलावा बस वही सब भाषण। तो इन सब पर बात करेंगे। सर बताएं, इस बार जनता को कुछ नया देना था लेकिन कुछ दे नहीं पाए मोदी जी। देखिए, मोदी जी ने कल जो है 15 अगस्त पर 8वीं बार देश के लाल किले पर भाषण दिया। जी, वैसे ये उनका 9वां भाषण है। अच्छा। क्योंकि एक भाषण उन्होंने नकली लाल किला बनाकर गुजरात में 2013 में दिया था। अच्छा। तो मोदी जी को लाल किले पर भाषण देने का बड़ा शौक है। जी। अब यह है कि मैं जब उनका भाषण कल सुन रहा था तो पहली बार तो मैं जब सुबह सोकर उठा और मैंने देखा तो मुझे लगा आशाराम कहाँ से आ गया। फिर थोड़ी देर मुझे समझ आया नहीं ये मोदी जी हैं। जी। तो मैंने अपनी गलती सुधारी, ये तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, लाल किले पर भाषण दे रहे हैं। अच्छा, क्या सर आपने सुधार लिया? हाँ जी, नहीं तो गलती हो जाती। हाँ, गलती बिल्कुल हो जाती। तो उस भाषण को जब मैंने सुना तो मुझे लगा ये मोदी जी के भाषण की जो फाइल है, जो आदमी मेंटेन करता है प्रधानमंत्री निवास में, वो बड़ा नालायक आदमी है। एक ही फाइल जो है बार बार दे देता है और मोदी जी बार बार वही बात दोहरा देते हैं। 7 सालों में मैंने उनकी कई चीज़ें पकड़ी हैं। अच्छा। जो लगातार लगता है कि रिपीटेशन चल रही है। और इसका मतलब यह है कि अगर कोई बच्चा एक पेपर में एक ही बात लिखता रहे सालों साल, तो इसका मतलब है या तो वो उसी क्लास में फेल होता रहा है। अच्छा। या वो जो है अकलमंद नहीं है और उसे अकल नहीं आई। तो ऐसी हालत में जब हम ये सारी बात देखते हैं तो जैसे कि मैंने देखा कि 2014 में मोदी जी ने कहा कि हम सार्क को बढ़ावा देंगे। अच्छा। सार्क जो था वो 7 देशों का समूह था, बिल्कुल भारत के आसपास का। और मोदी जी ने अपने भाषण देने के बाद ही उसकी हत्या कर दी और सार्क जो संस्था है वो रिडेंडेंट हो गई, क्योंकि मोदी जी की जो उस समय की विदेश मंत्री थी सुषमा स्वराज, उन्होंने कहा कि हम जो है सार्क की बैठक के लिए पाकिस्तान नहीं जाएंगे। अब पाकिस्तान नहीं गए तो सार्क जो है, क्योंकि उसी बैठक में तय होता कि अगला जो है सम्मेलन सार्क का कहाँ होगा, नेपाल में होना था, वो तय नहीं हुआ और सार्क खत्म हो गया। अब भारत की जो चौधराहट 8 देशों के बीच में थी वो खत्म हो गई। तो मोदी जी ने उस समय एक बात और कही थी, सबने सुनी, कि ग्राम स्वराज योजना लेंगे और हर सांसद जो है एक एक गाँव को, हर विधायक एक एक गाँव को अडॉप्ट करेगा, आदर्श ग्राम योजना। और प्रधानमंत्री ने भी एक वाराणसी के गांव को गोद लिया था। और आज के समय में आपको किसी भी उन अडॉप्टेड गांवों के बारे में कुछ नहीं पता चलेगा कि वो योजना फेल हुई या पास हुई। एक गांव तो है, मेर हिंदू है गाजियाबाद में, जो वीके सिंह ने लिया सर। जी, वहाँ पे मैं एक उदाहरण दे देता हूँ, आपको बता देता हूँ। वहाँ 2 मशीनें रखी हुई है, वो पानी हवा से बनाते हैं सर, इकट्ठा करते हैं वो सर। एक तो गायब हो गई, गायब हो गई, 1 लीटर पानी नहीं मिला। एक दिन हम गए थे उसमें देखने, तो आपने देख लिया प्रधानमंत्री ने लाल किले से जो घोषणा की। फिर प्रधानमंत्री ने 2015 में कहा कि हम स्टैंड अप और स्टार्टअप, अच्छा, दो चीज शुरू करेंगे। अब स्टैंड अप क्या हुआ, इंडिया स्टैंड अप और टीम इंडिया का उनका एक नारा था, वो कहाँ गया, वो खत्म हो गया। अच्छा। वो आपको नहीं पता, हम मुझे भी नहीं पता। 2016 में उन्होंने कहा कि जितने भी मेडिकल हॉस्पिटल है उन्हें ऑनलाइन जोड़ेंगे, हर आदमी अपना डाटा जो है ऑनलाइन जो है किसी भी हॉस्पिटल से जोड़ सकता है। अच्छा। ताकि उसका सारा डाटा हॉस्पिटल के पास तैयार रहे और जब वो बीमार पड़े तो ढूंढने में परेशानी ना हो। अच्छा। तो वो योजना का क्या हुआ, हासिल हुआ, आज तक किसी को नहीं पता। मुझे लगता है कि देखने वाले किसी भी आदमी का जो है डाटा जो है ऑनलाइन 2015 से लेकर आज तक किसी हॉस्पिटल से अटैच नहीं हुआ। अच्छा। 2016 में मोदी जी ने कहा कि हम जो है लोगों को बड़ा, उन्होंने उस समय नौजवानों को कहा कि हम इनके लिए एक स्कीम शुरू करेंगे। 100 लाख करोड़ रुपए नहीं, 100 लाख करोड़ तो बाद में दिया उन्होंने।
2017 में उन्होंने कहा कि हमने जीएसटी लाए हैं, जीएसटी से उद्योग धंधे बढ़ेंगे, तो जीएसटी का जख्म जो है आज तक इतना है कि पूरे के पूरे उद्योग धंधे जो हैं लंगड़े हो गए हैं और आज तक नहीं चल पा रहे हैं। और तभी उन्होंने कहा था कि हमने नोटबंदी की, तो नोटबंदी में हमें 3 लाख करोड़ रुपए का काला धन मिला है। अब वो 3 लाख करोड़ रुपए का काला धन कहाँ मिला, कहाँ खर्च हुआ, उसका ब्यौरा आज तक भारत सरकार के पास नहीं है। अच्छा, आपको भी पता है, हमें भी पता है। अब 2018 में उन्होंने कहा जन आरोग्य योजना शुरू की, आयुष्मान योजना शुरू की, और कहा कि 10 करोड़ परिवारों को मेडिकल सुविधा मिलेगी 5 लाख रुपए की। अब जन आरोग्य और आयुष्मान योजना का हाल यह है कि मैंने जानने के लिए जब फोन किया, तो जब मैं दिल्ली से मैंने उनका एक जो नंबर है टोल फ्री नंबर उस पर फोन किया, तो मेरा फोन जो है जाकर गुजरात में अहमदाबाद के पास किसी गाँव में लग गया। अच्छा, और वहाँ से उसने कहा जी सर आप कहाँ बीमार हो, मैंने कहा मैं तो दिल्ली का आदमी हूँ, मैं दिल्ली में हूँ, तो कहते हैं जी हमारे यहाँ जो है गुजरात के लोगों के इलाज की सुविधा है, अच्छा, बाहर के लोगों की नहीं है। तो जन आरोग्य में लोगों ने अभी जब कोरोना हुआ, कोरोना में लोग मरे, तो सबको पता है कि जन आरोग्य में लोगों को कितनी सुविधा मिली, लोग सिलेंडर के लिए इधर उधर भटकते रहे, अस्पताल में एडमिशन के लिए भटकते रहे, यहाँ तक कि लाशों को डिस्पोजल करने के लिए, कल मोदी जी ने कहा था कि 1947 में जो लाशें जो लोग मरे उनकी लाशों को जो है ठिकाने लगाने का भी बंदोबस्त सरकार ने नहीं किया। वो 1947 की सरकार की तो याद कर रहे हैं, 2020 और 21 की सरकार की याद नहीं कर रहे कि यूपी में जो है लाखों लोग जो है जिनको जला नहीं पाए, उनको गंगा में बहा दिया, पानी में बहा दिया, यमुना में बहा दिया, और उनको जो है कब्र की तरह खोद कर जो है लगा दिया, और उनके ऊपर जो है भाजपा की नालायकी की वजह से वो पकड़े गए, क्योंकि इन्होंने ये कर दिया था कि कफन का रंग जो है सफेद नहीं होगा, भगवा होगा, और भगवा रंग की जो लाशें इन्होंने जमीन में गाड़ी, उसे जब ऊपर से जब उसकी फोटो खींची गई तब पता चला कि ये तो भगवा ये लाशें हैं। तब इन्होंने सारे उनके लाशों के जो है कफन तक उखाड़ के फेंक दिए ताकि उन लाशों की आइडेंटिफिकेशन ना हो। अलाहाबाद से तस्वीरें हमारे सामने आई थी, सब जगह आई, पूरी पूरे हिंदुस्तान में आई और पूरी दुनिया के मैगजीनों में छपी। अब 2019 में मोदी जी ने बड़े आराम से फिर कहा कि हमारा नारा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, और वो नारा जो है 2021 में उन्होंने कर दिया सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास। अच्छा, तो ये नारे भी जो है धारावाहिक जैसे सीरियल आते हैं, साथ भी कभी बहुत ही, कि पहला एपिसोड आया, दूसरा आया, तीसरा आया, ऐसे इनके जो नारे हैं उनमें वृद्धि होती रहती है कि पहले सबका साथ था, फिर सबका विकास जुड़ा, फिर सबका विश्वास जुड़ा, अब कर दिया सबका प्रयास। अच्छा। यानी कि अगर देश का कोई भी चीज असफल होती है तो आज मोदी जी कह सकते हैं कि 140 करोड़ लोग नालायक है, उन्होंने प्रयास नहीं किया इसलिए असफल हुए। जी। अब 2019 की बात हम करते हैं तो तभी मोदी जी ने कहा था कि हम 100 लाख करोड़। अच्छा, 100 लाख करोड़ यानी भारत का बजट जो था 25 लाख करोड़ का था उस समय। अच्छा, तो हम उससे 4 गुना 100 लाख करोड़ जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करेंगे। अच्छा, अब इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करेंगे तो कहां से खर्च किया, किसी को पता है, कुछ नहीं हुआ, पैसे ही नहीं था गवर्नमेंट के पास। मोदी जी ने एक बात निकालनी थी तो निकाल दी। बीच में 20 लाख करोड़ भी तो आए थे कोरोना। ना ना, वो मैं 19 की बात कर रहा हूं। अच्छा, 20 में मोदी जी ने जो है, जरूर आपकी बात ठीक है कि 16 मई से लेकर 25 मई तक अनाउंसमेंट जो है निर्मला सीतारमन और अनुराग ठाकुर जो है रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते थे कि हमने 21 लाख करोड़ का जो है कोरोना में राहत पैकेज दिया है। जी जी। और उस राहत पैकेज को अगर जोड़ लें तो 100 लाख करोड़ पिछले साल के थे, 21 लाख करोड़ ये होगा, तो 21 लाख करोड़ मोदी जी को खर्च करने थे। जब 2020 में वो दोबारा भाषण देने आए तो उन्होंने कहा कि हम 110 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन योजना में दे रहे हैं। अब पाइपलाइन कौन सी योजना थी मुझे आज तक नहीं समझ आया, कहीं कोई पाइपलाइन भी नजर नहीं आई। तो अगर वो 110 लाख करोड़ और जोड़ लें तो ये हो गए 231 लाख करोड़। 231 लाख, तो 231 लाख करोड़ तो मोदी जी पिछले साल ही कर चुके थे। और उन्होंने जो बातें कोरोना काल के भाषण में कही कि हम जो है सबको वैक्सीन लगा देंगे 31 दिसंबर 2020 तक, तो आज सबको पता है कि इस बार मोदी जी कह रहे हैं कि हमने 56 करोड़ लोगों को जो है अभी तक जो है वैक्सीन लगाई है। अच्छा। तो अभी बाकियों को कब लगेगी उसके बारे में नहीं पता। वैक्सीन के बारे में मोदी सरकार ने जब कहा था कि समर्थक कह रहे हैं ना 5 किलो चावल गेहूं और एक थैला दे रहे हैं, वो भी तो पैकेज है ना। नहीं नहीं, वो पैकेज की बात हम बाद में करेंगे, वो तो बड़ा छोटा पैकेज है। आप समझिए कि भारत सरकार ने कहा था कि 15 अगस्त को जब मोदी जी लाल किले पर 2020 में भाषण देंगे तो वो वैक्सीन के बारे में घोषणा कर देंगे कि वैक्सीन हमने बना लिया है। अच्छा। ये वैक्सीन आ गई है, लगनी शुरू हो गई है। और 16 अगस्त को वो पहली वैक्सीन जो है मोदी जी को खुद लगनी थी। अच्छा, पिछले साल 2020
तो सबको बताया कि उस वैक्सीन का क्या हाल हुआ। अब इस साल मोदी जी जब दोबारा भाषण देने गए तो उन्होंने जो है पुराना वो सारा मामला उठा लिया। 2019 में उन्होंने कहा था कि कश्मीर में हमने 370 हटा दिया, तो 2020 में कहा कि वहां पर चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो कल भी मोदी जी ने दोबारा फिर क्या दिया कि चुनाव की प्रक्रिया वहां शुरू हो गई है, तो वो जो है प्रक्रिया दोबारा चल रही है। और कल मोदी जी ने जो बात कही कि हमने जो है लोगों को हॉलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 100 लाख करोड़ का फिर बजट दिया है। अच्छा, तो अगर इसको भी आप जोड़ लें, और इस बीच अभी आपने देखा होगा कि मई में भी दोबारा जो है कोरोना पैकेज उन्होंने दूसरा दिया था, जिसका नाम था कोरोना पैकेज 2, जिसमें 6.5 लाख करोड़ की जो है पैकेज अनाउंस किया था। तो 6.5 लाख करोड़ ये जोड़ लो, 100 लाख करोड़ जो मोदी जी ने कल दिए थे वो जोड़ लो, तो ये सारी जो अमाउंट है ये हो जाता है 347.5 लाख करोड़। अरे, तो मोदी जी के पास इतना धन है, मोदी जी ने इतना पैसा जो है खर्च किया है और कर रहे हैं, और हिंदुस्तान के लोग इतने मैं कहूंगा एहसान फरामोश है कि वो प्रधानमंत्री की भावनाओं का आदर नहीं करते। तो जब मैं इस बारे में जब कल मैंने मोदी जी का पूरा भाषण दिया तो फिर मैंने किताब पढ़नी शुरू की। मेरी बदकिस्मत ही है कि जब भी मैं कोई ऐसी किताब निकालता हूँ तो वही बात निकल आती है। किस्सा निकला कि एक ढपोर शंख का किस्सा निकला कि एक ब्राह्मण था, गरीब ब्राह्मण, उसे समुद्र में जाता था, वो रोज जो है भगवान की प्रार्थना करता था समुद्र भगवान की कि भगवान मुझे कुछ दो। तो भगवान प्रकट हुए, भगवान ने उसे एक शंख दिया, बोले ये शंख है, इस शंख की रोज पूजा कर, एक बार जो मांगेगा वही दे देगा तेरे। तो ब्राह्मण ने लिया, बड़ा खुश हो गया, आगे बढ़ा, और जब वो आगे बढ़ा तो रास्ते में क्योंकि रात होने गई थी तो वो एक आदमी के घर रुका, तो उसने कहा ब्राह्मण देवता आप मेरे यहाँ रात गुजारी है। तो ब्राह्मण ने कहा मैं रात गुजारता हूँ, उसे नहाया धोया, फिर उसने अपना शंख निकाला, बोला आज मैं भोजन आपको मैं कराऊंगा। अच्छा। तो उसने शंख देवता की पूजा की, बोले एक शंख देवता हम लोगों के खाने के लिए जो है आप खाना दे दो। तो शंख देवता ने सारा खाना दे दिया, सब खा लिया। अब ब्राह्मण भी बड़ा खुश, वो जिसके यहाँ ठहरा था वो भी बड़ा खुश, लेकिन जिसके घर ठहरा था उसके मन में लालच आ गया। अच्छा। तो उसने वो शंख लेकर जो चुरा लिया और ब्राह्मण के जो पोटली थी उसमें से निकाल के अपने पास रख लिया। ब्राह्मण जब घर गया तो वहाँ उसके पास वो शंख नहीं मिला। तो उसकी बीवी ने भी बड़ा बोला, कहा कि तू जो है झूठ बोलता रहता है, जैसे बीवियों का स्वभाव होता है। तो वो बेचारा दोबारा फिर समुद्र महाराज के पास गया, वहाँ जाके फिर उसने तपस्या की, फिर समुद्र महाराज आए, फिर उन्होंने कहा जी महाराज पिछली बार आपने वो दिया था शंख वो तो गायब हो गया, आपने छीन लिया। उन्होंने कहा नहीं, मैंने तेरे को शंख दिया था और तेरा शंख जो है जिसके घर तू रात को ठहरा था उसे चुरा लिया था, तो अब की बार में तेरे को दूसरा शंख दे रहा हूँ, लेकिन ये शंख जो है हर चीज दुगना देने की बात करता है। अच्छा। जैसे तू इसे जो भी मांगेगा दुगना देगा, और तू जो है ये शंख ले आकर जो है अपने घर पर ही खोलियो, रास्ते में मत खोलियो। तो उसने कहा ठीक है जी। खैर वो दोबारा वहां पहुंचा, रास्ते में फिर उसी आदमी का घर पड़ता था, फिर वो ब्राह्मण देवता पहुंचे तो उस आदमी को पता था कि उस जिसे शंख चुराया था, तो उसने ब्राह्मण देवता को बिठाया, पूजा उनको वो किया, बोला भोजन करो महाराज। तो जब महाराज भोजन करने लगे तो ब्राह्मण से पूछा महाराज अब दोबारा क्यों आए, एक शंख तो आपको दे दिया था समुद्र महाराज ने। तो उसने कहा जी मेरा शंख गायब हो गया, उन्होंने वापस ले लिया, तो अब उन्होंने मुझे दूसरा शंख दिया है। तो उसने कहा इस शंख की क्या विशेषता है, उन्होंने कहा कि शंख को निकालना नहीं तो मैं दिखा नहीं सकता आपको, लेकिन उन्होंने कहा कि यह हर चीज दुगनी देता है। अच्छा, दुगनी देता है। तो वो आदमी खर्च हो गया, ब्राह्मण देवता भी सो गए। रात को उसने जो है उसके मन में लालच आया, उसने क्या किया कि पुराना शंख तो उसके जो पोटली थी उसमें रख दिया और नया शंख निकाल लिया। अच्छा। और नया शंख निकाल के जो ब्राह्मण देवता तो घर चले गए। अगले दिन वो सुबह उठा, नहाया धोया और शंख को रखा और बोला जी के महाराज मुझे जो है दो रोटी दो। उन्होंने कहा चार ले। उन्होंने कहा उसने कहा मुझे दो गाय दो, उसने कहा चार ले। उसने कहा जी मेरे को एक घर दे दो, उसने कहा दो घर ले। उसने कहा मुझे एक पत्नी दो, उसने कहा दो पत्नी ले ले। तो हर चीज वो दुगनी थी। करते करते वो शाम हो गई, थक गया, बोला महाराज इतनी सारी चीजें हो गई आप मुझे कुछ तो दो। तो शंख बोला मैं तो डपोर शंख हूँ, मेरा काम बोलना है, जो तू मांगेगा उसका दुगना बोलूंगा, दूंगा नहीं। असली शंख तो वो था जो ब्राह्मण के पास था जो ले गया। तो ये कहानी पढ़कर मेरे को लगा कि देखो क्या समीचीन बात है कि आज जो है 15 अगस्त को मैं ऐसी बात पढ़ रहा हूँ और बार बार मैं मोदी जी का भाषण टीवी पे आ ही रहा था। जब भी देखो मोदी जी कहते थे 100 लाख करोड़ दे रहा हूँ। दूसरा मोदी जी ने एक बड़ा झूठ बोल दिया कि सैनिक स्कूलों में कन्याओं को लड़कियों को एडमिशन मिलेगा। जी, 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 जी। तो मैंने गूगल खोला तो पता चला सैनिक स्कूल में कन्याओं को पहले से ही जो है एडमिशन मिल रहा है। यानी जो बात जो है अब मैंने उस पर आकर लगाई तो मेरी पत्नी बोली कि तुम कैसी बात करते हो, प्रधानमंत्री झूठ थोड़ी बोलेगा। तो मैंने कहा भाई देखते हैं।
तो जब हमने खोला तो पता चला कि भाई जो भी सैनिक के लोग हैं उनके बच्चे ही तो पढ़ते हैं सैनिक स्कूल में। अब जब पढ़ते हैं तो सैनिक स्कूल में जो सैनिक कोई बच्चे पढ़ते हैं तो उनके सिर्फ लड़के ही तो पैदा नहीं होते, लड़के ही पैदा होते हैं, लड़कियां भी पैदा होती हैं। तो ये तो व्यवस्था नहीं है कि भाई लड़के तो पढ़ने जाएंगे, लड़कियां अनपढ़ रहेंगी सैनिकों की। तो ये व्यवस्था पहले से ही है, हर आर्मी स्कूल में ये व्यवस्था पहले से है। लेकिन प्रधानमंत्री जी को जो उनका भाषण लिखने वाला है उसने छोटी सी बात नहीं बताई कि भाई लड़के तो और लड़कियां तो सैनिकों के घर में भी पैदा होती हैं, और कोई सैनिक ऐसा नहीं मिलेगा जिसकी लड़की पढ़ी लिखी ना हो और लड़का पढ़ा लिखा हो। तो प्रधानमंत्री पता नहीं, मुझे लगता है कि डपोर शंख वाला इनका कोई गुण है या पिछले जन्म में हो सकता है डपोर शंख रहे हो, कि जो भी आए कुछ ही बोल दो और करो मत। ये जो है करने में जो है उस्ताद नहीं है, बकने के उस्ताद हैं। तो इसलिए कई लोग इसके लिए बड़ा गलत शब्द इस्तेमाल करते हैं हमारे चांदनी चौक वाले पुरानी दिल्ली के इलाके में, जो मैं बोल नहीं सकता ना बोलना चाहता हूँ, लेकिन जो भावनाएं हैं मेरी वो सब लोग समझ जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बार जो भाषण दिया और पुराने जो भाषण थे वो पूरी पूरी वही फाइल ऐसा लगा निकाल के ले आए हैं और फिर से वही पढ़ दिया। आप लोगों को कैसे लगे सर के जवाब नीचे कमेंट कर सकते हैं, साथ ही इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों किसी और एपिसोड में रविंद्र जी से मुलाकात कराएंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।